पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान 14 मार्च को भोपाल आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी। जीतने वाले कैंडिडेट को सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, कहा राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने। आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने रीवा में वृंदावन होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए साफ तौर से कहा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका कहना था, 14 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भोपाल आ रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम सर्वे के आधार पर चुनेंगे, हमें दूसरी पार्टी से भी परहेज नहीं। बस शर्त ये होना चाहिए, उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए, वो बेहतर कैंडिडेट होना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आने वाले 14 तारीख यानी कि 14 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब दोनों भोपाल में आ रहे हैं। भोपाल में एक सभा है, सभा को संबोधित करेंगे। तो आज की हमारी यहाँ पे जो मीटिंग है इस संभाग में, वो इसी उनके आगमन के सिलसिले में ही तैयारी की मीटिंग है। इसके अलावा जैसे कि पहले मैंने रीट्रेट किया था कि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से सारी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन 230 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, जैसे हम चुनाव पंजाब में लड़े, जैसे दिल्ली में लड़े, जैसे गुजरात में लड़े, उसी तरीके से पूरी ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हमारा ये मानना है कि इस देश में अब राजनीति सिर्फ दो ही तरह की बची हुई है, एक तो अच्छी राजनीति और एक बुरी राजनीति, गंदी राजनीति। गंदी राजनीति में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैसे अपने स्वार्थ के लिए मौका परस्ती को ध्यान में रखकर, ये कांग्रेस वाले कभी बिकने को तैयार हो जाते हैं या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में। भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को खरीदने को तैयार हो जाते हैं या पहले या बाद में। जनता यहाँ त्रस्त हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जो स्कूल अस्पताल की बात है, जो एंटी करप्शन की बात है, उस गुड गवर्नेंस को लेकर जनता काफ़ी उत्सुक है। तो इस बार आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि जनता, जो इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देगी। थैंक यू। आप लोगों की कि आप देखेंगे कि गुजरात में हमने कैंडिडेट उतारे, जैसे पंजाब में उतारे, जैसे दिल्ली में उतारे। हमारे कैंडिडेट चयन का तरीका बड़ा सिंपल है। विधानसभा के चुनावों में हम सर्वे कराते हैं। दो तरीके के सर्वे होते हैं, एक तो टेलीफोन से और दूसरा फील्ड पे जाकर। इन दोनों सर्वे के नतीजे को सामने रखकर फिर तय किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे और पैरामीटर होते हैं, लेकिन मोटा मोटे मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। अच्छे व्यक्तियों का जो भी आए दूसरी पार्टी से, हम उसका स्वागत करेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिनके चाल और चरित्र पे प्रश्न चिन्ह है, उनको पार्टी लाकर टिकट नहीं देगी। वो पैरामाउंट है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर्वे के आधार पर जनता जिसको कहेगी कि इसको टिकट दो, उसको टिकट देंगे। सर्वे किस लिहाज से कराया जाएगा? सर्वे का लिहाज जनता से बात की जाती है। सर्वे में जनता से पूछा जाता है कि ये 3-4 लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता कहेगी कि भाई हाँ, ये पसंद है, ये अच्छा है, तो उसके हिसाब से जाएंगे। आप अपनी पार्टी का मुख्य कार्य बताते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मंत्री जेल के अंदर। आपका कहना है कि इनको अंदर कर दिया गया, क्या कानून और संविधान पर आप विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, इसीलिए तो कॉन्फिडेंट है, इसीलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। संविधान अपना काम करेगी आने वाले समय में, कोर्ट में ये सारे जो निराधार और गलत गंदे आरोप जो लगाए हैं, वो सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही है?
ये आप ही बताइए, सीबीआई किसके अंडर आती है, किसके हिसाब से काम कर रही है? कि उनको अंदर कर दिया गया मोदी के इशारे पर, तो किसके अंदर में काम कर रही है? सर कोर्ट में भी 4-5 महीने सबेन जैन जी को लग रहे हैं, तो क्या कोर्ट पर भी प्रश्न खड़े होते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, एक जिस कानून के तहत उनको अंदर किया गया है, एक पीएमएलए एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत ये प्रावधान है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट से जितने भी देर आप रखना चाहो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही कोर्ट, उसके बाद क्या हुआ, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। अगर आप देखेंगे कि जजेस भी बदले गए थे बीच में, कई सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट में सुनवाई जैसे ही शुरू होगी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और रहा सवाल सीबीआई किसके अंडर में आता है, भारतीय जनता पार्टी पूरी जीवन ये छाती ठोक ठोक के कहती थी कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तोता है। अब जो काम कांग्रेस करती थी पहले, अब वो भाजपा कर रही है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जितने भी संस्थाएं हैं जो इस देश को डेमोक्रेटिकली महान बनाती है, उन सारी संस्थाओं पर ये अपनी ताकत का प्रभाव करके धीरे 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 उनकी शक्ति को खींचने की कोशिश कर रहे हैं।